हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक हियर टू स्टार्ट विद अ न्यू पार्ट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक। आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन आंसर, आई एम डिजाइनिंग यू सम क्वेश्चन आंसर फ्रॉम एग्जाम्स रिलेटेड, एंड सो लेट अस स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोग, एप्सिलॉन आर बराबर क्या पढ़ा था, एफ ए बाई एफ एम। ये चीज को हमने कल क्या किया था, क्लियर कर लिए थे। एफ ए क्या होता है, एफ ए जो होता है ये जो होता है फ्री स्पेस के लिए होता है। फ्री स्पेस का मतलब होता है वायु में बल। वायु में बल एफ ए का मतलब क्या हो गया, वायु में बल। और एफ एम का मतलब क्या हो गया, अन्य माध्यम में बल। ये होता था वायु में बल, ये हो गया वायु में बल, और ये होता है अन्य माध्यम में। ये हो गया अन्य माध्यम के लिए, ठीक है, अन्य माध्यम के लिए। ये जो दोनों होते हैं, ये जो दोनों जो माध्यम होते हैं कहाँ अप्लाई होते हैं, दो वैसे स्थिर बिंदु आवेश के बीच अप्लाई किया जाता है, जो क्या होते हैं, एक एफ ए होता है और एक एफ एम होता है। तब हम मेरा एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकलता है, एप्सिलॉन आर का मान निकल जाता है। और एप्सिलॉन आर का जो मान होता है एफ ए और प्रति इकाई एफ एम का क्या होता है, इजिकल टू होता है, ठीक है। यहाँ तक कल बता दिए थे। और ये जो अप्लाई होता है कहाँ, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले Q1 और ये हो गया Q, जैसे ये Q1 Q2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस क्या हो गया, R हो गया, ठीक है। तो एफ ए जो होता है K, वही कूलम का नियम फॉलो करता है, बट यहाँ जो K होता है माध्यम, माध्यम क्या कैसा होना चाहिए, एफ ए मतलब वायु में बल, कैसा होना चाहिए, वायु में बल, वायु में बल। और प्रति इकाई होता है एफ एम, अन्य माध्यम में बल, अन्य माध्यम में बल। मतलब एप्सिलॉन आर का जो मान होता है एफ ए बटा में एफ एम, मतलब वायु में बल, और वही दो स्थिर आवेशों के बीच, वही दो स्थिर आवेशों के बीच, और उतनी ही दूरी पर और प्रति इकाई होते हैं अन्य माध्यम में बल के बराबर होते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। यहां तक हम क्लियर कर दिए थे। अब आगे चलते हैं। अब आगे मेरा क्या था, एप्सिलॉन आर बराबर, अब फर्क ये जो जाएगा इधर जाएगा, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा, एफ एम इजिकल टू क्या आ गया, एफ एम। तो एफ ए बराबर इतना आ गया मेरा, एफ ए बराबर क्या हो गया, इतना आ गया मेरा वैल्यू, एफ ए मतलब वायु में बल, वायु में बल बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन आर गुने अन्य माध्यम में बल, एक ये फॉर्मूला निकल गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब एफ एम निकालना है, एफ एम निकालना है तो क्या हो जाएगा, एफ एम इजिकल टू क्या होगा, ये वाला इधर से इधर चल जाएगा, तो एफ ए बटा में क्या हो जाएगा, एफ ए बटा में एप्सिलॉन आर, ये भी फार्मूला निकल गया। दो फार्मूला मेरे पास आ गए हैं, एफ ए क्या हो गया, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एफ एम मतलब अन्य माध्यम में बल, इजिकल टू होता है वायु में बल मतलब फ्री स्पेस, और ये जो होता है अन्य माध्यम, अन्य माध्यम जो होता है किसके किसके गुणनफल का होता है, तो एप्सिलॉन आर के, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और कोई फॉर्मूला निकल रहा है तो इसको इधर लेके चल, ये हो जाएगा एफ ए निकल गया मेरा और ये निकल गया और एप्सिलॉन आर। ये तीनों फार्मूला जो होते हैं, तीनों जो फार्मूला होते हैं फर्स्ट फॉर्म, ये जो तीनों है परावैद्युतांक में अप्लाई किया जाता है, परावैद्युतांक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। परावैद्युतांक मतलब जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा आपको ये वाला निकालना होगा, या ये दोनों दिया रहेगा तो ये वाला आपको निकालना होगा, और ये वाला दिया रहेगा और ये वाला, जैसे कि ये दोनों दिया रहेगा तो फिर ये वाला निकालना पड़ेगा, दैट्स फॉर सिंपल। अब आगे चलते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत सारा मैंने, मतलब दो तीन क्वेश्चन है मेरे पास जो डिजाइन किया गया है आपके लिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ये सब क्वेश्चन आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे तो आप फोकस कीजिए, दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है बट आप इजी वे में इसको क्या करेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चीज में क्या है, इसका फंडा क्या है, कैसे बनाते हैं। तो यदि दो आवेशों को क्या करते हैं, वायु में रखा जाए, दैट फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। यदि दो आवेशों को कहाँ रखते हैं, वायु में रखते हैं, इसका माध्यम कैसा है, अभी वायु है, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि दो आवेशों को वायु में रखा जाए तो उनके बीच 50 न्यूटन बल प्राप्त होता है,
इनके बीच कितना होता है, 50 न्यूटन बल प्राप्त होता है। ये कौन सा है, तो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मतलब वायु, मतलब दो आवेश हो गया Q1 और Q2। यदि दो आवेशों को वायु में रखा जाए तो उनके बीच 50 न्यूटन का बल का प्राप्त होता है, और उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखा जाए तो 10 न्यूटन का क्या होता है, प्राप्ति होता है। मतलब उन्हीं आवेशों को, वही दो आवेश है, वही दो आवेश है, ठीक, वही दो आवेश है, और उतना ही दूरी पर जितना इसका दूरी है, जितना इसका दूरी है ना, उतना उस इसका भी उतना ही दूरी बोल रहा है, इतना दूरी ये हो गया। तो दोनों का दूरी सेम है, और दोनों का क्या, अब बल क्या सेम है क्या, देख लेते हैं। उतनी ही दूरी पर क्या डिजाइन कर लिए हम लोग, 10 न्यूटन का बल प्राप्त होता है, 10 न्यूटन का, तो इसमें कितना होता है, 10 न्यूटन का क्या होता है, बल प्राप्त होता है। और माध्यम कैसा है, तो कोई भी माध्यम है, अनदर माध्यम है, अन्य माध्यम है, अन्य माध्यम हो गया, वेरी गुड, ये हो गया क्या, अन्य माध्यम हो गया, अन्य माध्यम हो गया। अब ध्यान देते हैं, तो माध्यम का सापेक्ष परावैद्युतांक निकालें। ये जो क्वेश्चन है ना, आपको ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में आपको पूछता ही पूछता है, तो आप देख के घबरा जाते हैं, बट इस तरीका को सवाल को बहुत इजी वे में बना लेंगे। तो ये बोल रहा है सापेक्ष परावैद्युतांक, सापेक्ष परावैद्युतांक का मतलब क्या बोल रहा है, सापेक्ष परावैद्युतांक का जगह पे क्या बोलता है, विद्युतशीलता भी दे देगा, अपेक्षित विद्युतशीलता भी दे देगा, और तो इसका क्या हो गया, एप्सिलॉन आर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर बोलते हैं। परावैद्युतांक का मतलब एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। और हम जानते हैं एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन आर बराबर होता है वायु में बल, वायु में बल प्रति इकाई होता है अन्य माध्यम में बल, अन्य माध्यम में बल, ठीक है, अन्य माध्यम में बल, ये मेरा फॉर्मूला होता है परावैद्युतांक बराबर, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक हो गया। और इसको संकेतिक भाषा में लिखना होगा तो एप्सिलॉन आर बराबर एफ ए बटा में एफ एम, ये जो दो, ये जो है, ये हो गया आपका, ये हो गया किस, क्या बोलते हैं, ज्यामितीय रूप में हो गया, और ये आपका हिंदी माध्यम में हो गया, ठीक है। तो परावैद्युतांक वायु में बल, और ये क्या हो गया, अन्य माध्यम में, ये हो गया। तो एप्सिलॉन आर बराबर एफ ए बाई एफ एम, तो यहाँ पे क्या दिया, सबसे पहले रखा जाए तो उनके बीच 50 न्यूटन का बल प्राप्त होता है, कांची में क्या चीज में होता है, क्या चीज में होता है, तो वायु में होता है, वायु में क्या हो गया, 50 न्यूटन, वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, 50 न्यूटन हो गया यहाँ तक, अब आगे देखते हैं, वायु में हो गया, और वही उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर, उन्हीं आवेशों को, एक मेरा ये हो गया जो वायु के लिए इतना बल का क्या होता है, प्राप्ति होता है, और यही दो आवेशों को उतनी ही दूरी पर एक और आवेश लेते हैं, बट उसका क्या होता है, माध्यम जो होता है अनदर होता है, कोई और होता है, तब 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 क्या करना है, इन दोनों का मान रख के एप्सिलॉन आर का मान निकालना है। तो 50 न्यूटन ये हो गया, अब ये वाला इसमें कितना है, उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखा जाए तो 10 न्यूटन का क्या होता है, बल प्राप्ति होता है। तो टोटल कितना है, 10 न्यूटन हो गया, 10 न्यूटन हो गया। इट्स इजी इजी, बहुत इजी है ये। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 10 10 से 10 10 10 हो गया, इससे कट जाएगा 10, तो 10 5 50 हो गया, 50 न्यूटन हो गया, टोटल क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन, ये सॉल्व हो गया। एफ एफ मतलब ये जो है परावैद्युतांक का मान क्या आ गया, परावैद्युतांक का मान आ गया, कट के कितना आ गया, ये आ गया। अब देखिए, तो इसमें आपको क्या समझ में आया, कि परावैद्युतांक बराबर क्या होता है, वायु में बल बटा में अन्य माध्यम में बल, उसको संकेतिक भाषा में एप्सिलॉन आर बराबर एफ ए बाई एफ एम बोलते हैं, कटा के क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 5 जो है ना, 5 न्यूटन नहीं आएगा, 5 केवल आएगा, क्योंकि न्यूटन न्यूटन सब कैंसिल हो गया, टोटल क्या आ गया, 5 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया 5 5। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, इस चीज को आप उतार लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, यदि दो आवेशों को, वही क्वेश्चन है, बट उसमें क्या किया गया है, कुछ उसमें सापेक्ष परावैद्युतांक दे दिया गया है, और एफ एम का वैल्यू पूछ रहा है, ये बहुत सिंपल है, उसको क्या करेंगे, इधर से उधर भेज के आराम से सॉल्व कर लेंगे। यदि दो आवेशों को उतने है क्या, दो आवेशों को वायु में, सेम चीज है, दो आवेशों को वायु में रखे हैं, Q1 Q2 हो गया, उनके बीच 100 न्यूटन, ये क्या हो गया, 100 न्यूटन
सौ न्यूटन हो गया। बल प्राप्त होता है और उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखा जाए, किसी माध्यम में क्या होता है, रखा जाए, किसी माध्यम में रखा, किसी माध्यम में इसको हटा देते हैं, ठीक है, रखा जाए, रखा जाए, जिसका सापेक्ष परावर्तन क्या है, 50 न्यूटन है, तो माध्यम में कितना बल प्राप्त होता, माध्यम में क्या होगा, कितना बल प्राप्त हो रहा है। सेम सिंपल है, देखिए एफ ए बराबर क्या होता, फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, एप्सिलॉन आर बराबर होता है एफ ए बाई एफ एम। यहाँ तक क्लियर, हमको निकालना है एफ एम, इसमें क्या निकालना है एफ एम। देखिए जाए जिसका सापेक्ष परावर्तन 50 न्यूटन हो, हम इसको पता कैसे किए कि एफ एम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे वायु में बल तो दे दिया है, एफ ए दे दिया है, ठीक है, और सापेक्ष परावर्तन, जिसका सापेक्ष परावर्तन क्या है, 50 है, अगर यहाँ न्यूटन देगा तो समझ लीजिएगा दूसरा वाला बल दिया है, अगर न्यूटन यहाँ नहीं दिया रहेगा तो आपको समझना है यहाँ पे सापेक्ष परावर्तन, यहाँ साफ साफ लिखा भी गया है कि सापेक्ष परावर्तन कितना है, 50 है। अब क्या करेंगे, एफ एम निकालना है मुझे, तो एफ एम निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एम निकालना है तो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो एफ ए बटा में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। यहाँ तक क्लियर, अब वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यू को रखेंगे, अब आगे ध्यान दीजिएगा, तो एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए बाई एप्सिलॉन आर। एफ ए का मतलब कौन सा बल, वायु में, एफ एम का मतलब अन्य माध्यम में बल, एप्सिलॉन आर का मतलब सापेक्ष परावर्तन या निरपेक्ष विद्युतशीलता भी इसको बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, तो एफ ए की जगह पे कितना है, 100 है, एफ ए की जगह पे कितना है, 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, ठीक है, यहाँ पे तो एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा 100 बटा में, एप्सिलॉन आर कितना दिया, 50, 100 न्यूटन है, यहाँ 50 है, 100 न्यूटन बाई 50 है यहाँ पे, अभी इसको कटा देंगे 2 न्यूटन आ जाएगा। 2 न्यूटन में इसको क्यों लिखेंगे, क्योंकि एफ एम है, एफ एम मतलब बल यहाँ पे पूछा जा रहा है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और उसमें सापेक्ष परावर्तन का मात्रक पूछ रहा था, इसलिए हम वहाँ पे न्यूटन का प्रयोग नहीं किए, ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, इस चीज को उतार लीजिए, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोलते हैं, 18 आपका बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए, और हम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिजाइन कर करके देंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है, और जो मतलब आपके लिए जो परफेक्ट है, जो समझ में आए, और एग्जाम में आप क्या करो, क्वालिफाई भी कर जाओ, ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो 1 लाइक, थैंक यू वेरी मच।